भगवान परशुराम जी जयंती उदयपुर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि फतेह स्कूल के बाहर का दृश्य है, जहां भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और कुछ देर में जो है भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा जो है वो निकलने जाएगी। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और देखिए आप घोड़े तैयार हो चुके हैं। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकलने वाली है। तो धीरे धीरे सारे रथ और सभी शोभा यात्री धीरे धीरे परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सभी विक्रोजन फतेह स्कूल में पहुंच चुके हैं। सुबह 9 बजे से स्कूल स्कूल होकर श्री गया दिल्ली के चौराहे होते हुए वो भी फतेह स्कूल में आएंगे। गुरु जी का प्रवचन होगा, फिर माँ प्रसादी होगी। जय जय परशुराम। तो नागा जी कैसे जल्दी तैयारी? एकदम बड़े जल्दी था फसला चल रही है। तो नगर गूंज उठा है तो जय जय परशुराम देना है सर, कोई हुए को उठाना है। तो कालरा जी भी आ गए हैं और इसकी रिपोर्टिंग पूरी जय हो। क्या बात है जी गुरुदेव, क्या आनंद चल रहा है? तैयार है मत आगे चलेंगे। ये तो फौज आ गई, सिसरवा की फौज करेगी फौज। सिसरवा की फौज आ गई। जी गुरुदेव कैसे मनाई जा रही है आज? जय जय परशुराम। जय हो परशुराम जी की। जय हो, जय हो परशुराम, जय हो। तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर में आज तो जी भाई साहब कैसे तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी। तो आज कहाँ से निकलेंगे और कहाँ? आज फतेह स्कूल से हमारी शोभा यात्रा स्टार्ट होगी और पूरे शहर में गंगा जल होते हुए रेणुगढ़ होते हुए वापस यहाँ फतेह स्कूल में आएगी और धर्म सभा में फतेह जाएगी और धर्म सभा होने के बाद से भोजन महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है।
अपना बोली प्रसार लेके आएंगे और आज बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है, मित्रों के अंदर बहुत बड़ी खुशी है। हमारे परशुराम जी भगवान की जयंती मनाई जा रही है, सभी समाज के लोग व्यक्तित्व के अच्छा देश के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा संदेश देना चाहते हैं। भव्य पांडाल बनाया इस बार, भव्य पांडाल भर जाएगा सर, पूरी संख्या में सभी कुर्सी लगी हुई है, जितनी कुर्सी लगी हुई है सब कुर्सी भर जाएगी। और खास में अलग भोजन की भी प्रसन्न कार्यक्रम चल रहा है, सभी काम अच्छे हो। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई जनसंख्या है, सबसे बड़ा कोई समाज है ब्राह्मण समाज, देश के लिए और राष्ट्र के लिए ब्राह्मण एक होकर आगे उत्थान करने के लिए, देश को राष्ट्र के रूप बनाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर एक होकर इस काम को आगे बढ़ाने के काम करें और परशुराम भगवान की जयंती मना रहे हैं। जय परशुराम। जी रामकृपा जी, क्या चल रहा है जी साहब, किस प्रकार की तैयारी लगी? राम जी बोल रहे आज अक्षय तृतीया के अवसर पर और विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर विप्र समाज की ओर से एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फतेह स्कूल से प्रारंभ होगी और पुनः यहीं पर शहर के विभिन्न मार्गों में होते हुए और यहीं पर आकर समाप्त होगी। निश्चित रूप से ब्रह्म समाज जो समाज का अग्रणी वर्ग है उसके नेतृत्व में और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। हमें सभी ब्राह्मण बंधुओं को और साथ में समाज के सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले समय में कि हमारी जो एकता है वो समाज में एक नई दिशा का प्रादुर्भाव करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जय जय परशुराम। जय परशुराम। परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आज भव्य जुलूस परशुराम जी महादेव ने आज श्यामल कुमार भव्य जुलूस
तो नागराज जी सबको तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन जो है वो जी। गुरुदेव क्या तैयारी रही? और परशुराम भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज उदयपुर के अंदर विशाल जो शोभा यात्रा निकल रही है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि विप्र समाज के अंदर एक अच्छा उत्साह है और पूरे शहर के अंदर जगह जगह दरवाजे बने हुए हैं, जगह जगह झंडे की नाश्ते की वगैरह व्यवस्था की हुई है, और सही विप्र समाज के अलावा अन्य समाज भी भगवान परशुराम जी की जयंती को मनाने के लिए उत्सुक हैं। और मैं समझता हूँ कि जो विप्र समाज का जो है सभी समाजों को साथ में लेकर जो आगे बढ़ने का जो प्रयास है उसके निरंतर पहले भी रहा है विप्र समाज, और आज भी जो है सब वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। आप एक बार पुनः परशुराम जयंती पर सभी को शुभकामना बताइए। उदयपुर में पशु गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कैसी रहेगा शेड्यूल? हाँ शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल झांकी तैयार हो रही है, अभी यहाँ से निकलेगी पुराने बाकी एक्सप्रेस वो लगते हुए पुराने सी धान मंडी होते हैं पूरा घूमते वापस यहाँ पे आएगी, अंदर महासभा होगी, उसके बाद वहाँ पटाखी रखी गई है, आप सबको बजाना है शोभा तो यात्रा में सबसे ने बजा रहे जय जय परशुराम। तो कुछ ही देर में शोभा यात्रा निकलेगी, एक बार आगाज करने के लिए गाड़ी निकल गई है। विप्र फाउंडेशन एवं भगवान परशुराम समिति परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी सनातनी और विश्व हिंदू इनके जो विप्र के जितने भी संगठन है मिलकर एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो फतेह स्कूल से घूमते हुए पुनः वापस 11:30 बजे फतेह स्कूल आएगी और परशुराम जी की प्रसादी के साथ संपन्न होगी। आपकी बुलेट का बुलेट आज बुलेट पेंचर भी
परशुराम जी की यात्रा जो है पूरे नगर में निकल रही है, और नगर में देखिए खूब शोभा बढ़ रही है। और देखिए हमारे ओहो भंवर सिंह जी पूरी देखिए लगे हुए हैं सेवा में। जय परशुराम जी की। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा है, और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा और चार चांद लग जाएंगे। तो कितनी लंबी रही यात्रा? यात्रा बहुत ही विशाल है। एक तो कोना यहाँ पे है, हाँ। तो दूसरा कोना इसका चल रहा है जेएन से आगे। क्या बात है, हाँ। इतनी लंबी है, हाँ। तो विशाल शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा, महिलाएं पुरुष और घोड़ी बग्घे सब साथ में है। आप देख सकते हैं कि परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर साल मनाई जाती है, और हर साल नए नए रंग आ रहे हैं। क्या बात है, गुरुदेव की जय हो। परशुराम जयंती की बधाई शुभकामनाएं। कैसी बनी? अच्छी। पोषा बोलिए परशुराम भगवान की जय। जय हो, जय हो। देखिए आप आज के सभी गणमान्य आगे आगे चल रहे हैं, और धीरे धीरे कारवा आता जा रहा है, और सभी ठंडे कर लो आओ, तो हाथों में ध्वज लिए जय जय। तो यात्रा लंबी रही, पूरी यात्रा लंबी रही। जय जय परशुराम, जय हो, जय हो। लो फटे तो ठंडो भी लिया, पूजा करो तो यार भूख लगे। बड़े भाई जाओ, आई जाओ ना आप। तो भगवान परशुराम जी की शोभा भव्य शोभा यात्रा देखिए बड़े ही धूमधाम से निकल रही है। हमारे साथ में नगर के पार्षद साहब गौरव प्रताप जी, हमारे साथ भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकल रही है। और भगवान रामचंद्र जी के उस महाभारत के श्लोक में कहा गया है, भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने मुख से, विप्र वंश की अस्प्रभुताई अवे होए जो तुम्हें डराई। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरा ही रूप हो। देखिए विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की आज जो जयंती निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, जिस तरह से परशुराम भगवान ने एक समय में अधर्मियों का नाश करके जो इस संसार में इस वासुदेव कुटुंबकम में जिस तरह से धर्म का परचम ले रहा था, उन्हीं के सभी धर्म के अनुयायी आज भले भव्य रूप में भव्य भक्ति भाव से शोभा यात्रा में उल्लासपूर्वक निकल रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि रविवार के दिन शोभा यात्रा निकल रही है। ज्यादा माताएं बहनें युवा वृद्ध जन सैलाब की तरह यहाँ उमड़े हैं। मेरा निवेदन यही है, कोई भी वार कोई भी दिनांक हो, सभी भक्तजन इसी हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष इस श्रृंखला में जुड़ते जाएं। आप सभी साथियों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि आज सूरजपुर से परशुराम जयंती की शोभा यात्रा हमारे वार्ड से निकल रही है, जिससे कि हम सब वार्डजन बलीभूत होकर इस उल्लास और हर्षोल्लास की श्रृंखला में जुड़कर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में भक्तिभाव से सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद, जय जय श्री। तो भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा धीरे धीरे आप देखें कि सामने अगर दिखाई जाएंगे तो 500 मीटर दूर ध्वज लहरा रहे हैं, और ध्वज के साथ देखिए भगवान परशुराम जी का प्रसाद भी देखिए, चने अने सब चल रहे हैं। ओहो लाइए सब। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे पत्रकार साथी भी ले रहे हैं। परशुराम जयंती पर देखिए जगह जगह स्वागत जो है वो किया जा रहा है, स्वागत प्रेमी सब लगे हुए हैं, बच्चे तक क्या बुजुर्ग क्या सभी लगे हुए हैं, सभी के हाथों में फूल है। जय परशुराम, जय परशुराम, क्या संदेश है? आवाज और वो दर्द की, यहाँ तो खुशियों की आवाज है। तो देखिए सभी भक्त शिरोमणि लगे हुए हैं तन मन और धन के साथ। भगवान परशुराम ने ये छाया करके छतरी कर रखी है समाज के ऊपर कि हम मैं छतरी लेके खड़ा हूँ, तुम आगे बढ़ो, और हम सब आगे बढ़ रहे हैं परशुराम के सानिध्य में। हमारे कहीं कहीं कोई दिक्कत आने वाले नहीं है, और जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन ढोला है। क्या बात है, जय जय परशुराम, जय परशुराम।
तो जयंती के ऊपर देखिए आप दो दिन जी कैसे मन रही जयंती? बहुत अच्छी मन रही, बहुत लंबी यात्रा रही। हाँ लंबी यात्रा रही, बहुत लंबी यात्रा थी। भगवान ने भी बहुत अच्छी हमारे छाया कर दी, अच्छा कर दिया, हमें बहुत अच्छा कर दिया। देखो अच्छा मौसम हो गया, धन्यवाद ब्राह्मणों के तो भगवान भी वो है। जय जय श्री राम। तो आज बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ जो परशुराम भगवान जयंती मनाई जा रही है, देखिए जगह जगह स्वागत अभिनंदन। ओहो जय हो, कैसे धीरे चलिए ठंडे की तरफ चलते हैं जहाँ सेवक सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम। परशुराम कैसी रही यात्रा? बहुत लंबे हजारों की तादाद में पधारे हैं, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भद्रेश कुंड जाएंगे, भद्रेश कुंड में सतगुरु का आशीर्वाद होगा, उसके बाद वहाँ प्रसादी होगी और फिर विसर्जन हो जाएगा। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय हो जय हो। तो इधर देखिए सेवा की जा रही है। ओहो जय हो, सब भक्तों की जय हो, जय हो। तो देखिए परशुराम भगवान जयंती के उपलक्ष्य में देखिए ठंडे की बरसात की जा रही है भक्तों के ऊपर, भक्तों के शरीर को कोई कष्ट न पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? तो नारे गूंज उठे हैं चारों ओर। जी भाई साहब कैसा लग रहा है आज ये पूरे परिवार? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे पूरा परिवार ही आया, परिवार ही आया, परिवार ही आया है पूरा। एकता, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। आपको भी तो धीरे धीरे कारवा जो है बाबा फतेह स्कूल तक पहुंचेगा। तो बड़े ही धूमधाम के साथ आज ये भगवान परशुराम यात्रा निकल रही है। और आइए हम मिलते हैं भाई साहब से, दिनेश जी से। दिनेश जी साहब क्या खुशी हो? जय परशुराम, परशुराम जयंती है। राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। सभी ब्राह्मण समाज और सर्व समाज मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं, हम सब मिलकर के। और राज राजेश्वर परशुराम महादेव की जो पूजा अर्चना करने के पश्चात में कल ब्लड डोनेशन किया, आज रैली के रूप में इसके बाद में धर्म सभा होगी और संतों का आशीर्वाद मिलेगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए ब्राह्मण समाज आगे आए, यही हमारी मनोकामना है, यही इच्छा है और यही अपेक्षा और आकांक्षा है। के छठे अवतार परशुराम जी का, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए छठा अवतार लिया। छठा अवतार लेने के बाद ब्राह्मण ने सनातन धर्म की रक्षा की। आज विश्व में वापस विश्व में भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए राम रूप को आगे आने का आह्वान किया गया है। तो ब्राह्मण ने हमेशा देश को विश्व में समर्पित किया है। हम आज वापस परशुराम जी के चरणों में नमन करते हैं। ईश्वर हम लोग को ताकत दे, वापस विश्व को शुभ में भारत का दान कर सके और सनातन धर्म को भारत विश्व में फैले। जय जय परशुराम। विशाल शोभा यात्रा आप देखें भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में, जबरदस्त। और क्या बात है, तो पूर्व सभापति एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र नाथ जी श्रीमाली जी भी देखिए स्वयं
आज तो बड़ा ही आनंद, तो आज की ये जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई है। और जयंती में जब चार चांद और लग जाते तब जब अच्छे। जी गुरुदेव, स्वागत है आपको। जी मैडम, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपन समाज द्वारा और समाज की प्रसन्नता बनी रहे, समाज के सभी बंधु हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही परशुराम की हमारे से कामना है। सब संगीत रहे और समाज की परशुराम आगे रहे। क्या बात है, भगवान परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से। हम खुश है भैया, दर्द नहीं है। दर्द की आवाज चलो चलो जय श्याम। तो नगर की यात्रा करीब करीब लगभग पूरी होने वाली है और देखिए बड़ी संख्या में जन सैलाब है वो दिखाई दे रहा है।
देख सकते हैं पक्षी, घोड़िया, घोड़े, हाथी, ऊंट, हाथी नहीं एक ऊंट, गाड़ियाँ सब देखी है। इस शोभा यात्रा का जो है पार्ट बने हैं और अब इस शोभा यात्रा जो है वो निकल रही है। चलो भव्य शोभा यात्रा आज नगर में निकल रही है जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने है। बड़ी सुरक्षा में सुरक्षा भी मौजूद है, हमारे पुलिसकर्मी भाई सभी, नगर निगम सभी का पूरा सहयोग। आप किस प्रकार से रही आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मित्र समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, बहुत ही भव्य स्वरूप में इसका आयोजन हुआ। क्या कहना चाहिए पूरे देशवासियों को? हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकली है और ये बापू बाजार से होते हुए अब वापस जो है अपने निश्चित स्थान पर पहुंचेगी फतेह स्कूल में और वहाँ जनसभा और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ साहब का ये रे साहब का ले इंटरव्यू, भीड़ में जाओ। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज भव्य पंडाल सजाया गया है। हाँ चलो ठीक गुरुदेव। भगवान विष्णु के छठे अवतार विप्र समाज के आराध्य देव परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आज ये जिलों की नगरी में पूरा शहर विप्रमय है और सारे विप्र समाज इतने उत्सव से आनंद से हर्षोल्लास से उनकी जयंती मना रहे हैं। और आज यह सभा में हमारे मेवाड़ महामंडलेश्वर राधा रमन शरण शास्त्री जी ने आशीर्वचन दिया और सभी विप्रजनों को इस देश के उत्थान में, राष्ट्र निर्माण में सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। यही आज का हमारा संदेश है। जय परशुराम। विप्र बंधु भरो हुकार। जय हो। विप्र बंधु भरो हुकार, भारत माँ रही है तुम्हें पुकार। और जरा ठहरो नहीं, आगे बढ़ो और राजनीति में करो सत्ता। जय हो। कैसा राज? विप्र समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और ये विप्र समाज है जो सबसे पहले जागा और आज भी इसको जगाने की जरूरत है इस दुनिया को कि हम मानवता कहाँ से कहाँ जा रही है। इन सबको एकजुट करके मानवता की रक्षा के लिए ब्राह्मण को सबसे आगे आना चाहिए और ब्राह्मण ही उनको जगा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। ईश्वर चिरंजीव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पर आज विशाल शोभा यात्रा संपूर्ण विप्र समाज ने उदयपुर में निकाली है। एक भव्य स्वरूप के लिए समाज, सर्व समाज के विकास के लिए, सर्व समाज के मंगल के लिए
सर्वे भवन्तु सुखिना इस कल्पना को साकार करने के लिए उन्नत समाज समर्थ भारत इस स्लोगन को साकार करने के लिए हम सब लोग आज एक शोभा यात्रा के रूप में समाज में इस जन्मोत्सव मनाया है। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सफल शोभा यात्रा के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भगवान की जय। उदयपुर स्थापना दिवस मेवाड़ का, उदयपुर स्थापना दिवस भी है मेवाड़ का। आज सौभाग्य से महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर को स्थापित किया, स्थापना दिवस भी है। मेवाड़ संसार में, संसार का इतिहास, पूरे संसार का एक तरफ जो भारत का इतिहास है, और भारत का इतिहास एक तरफ, उसके बदले राजस्थान का इतिहास है, संपूर्ण राजस्थान का इतिहास एक तरफ, और केवल मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ माना प्रताप ने अपनी जन्मभूमि के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किए, उन्होंने जो संकल्प बद्ध होकर के और अपने एक ऐसा प्रकट करना चाहिए, एक देशभक्ति का, और ऐसा मानना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की अधीनता किसी की स्वीकार नहीं की देश के लिए। इसलिए उदयपुर के स्थापना दिवस के ऊपर भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज का आयोजन, ये आज का आयोजन हमारा 5 दिन का आवश्यक 5 दिवसीय आयोजन था ये विप्रो फाउंडेशन द्वारा, और राष्ट्रीय स्तर पे ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम उदयपुर को दिया गया था। और इसके अंदर आप देखो 5 दिन के जो कार्यक्रम है उसमें आप देखो हमने 400 करीब तो ब्लड डोनेट कराए हैं कल, और उसके अलावा आज जो भीड़ देखी गई थी 10-11-12 हज़ार लोगों की भीड़ इस जुलूस के अंदर थी, और भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की निकली है। तो आप देखो आज ब्राह्मण समाज सब संगठित होता जा रहा है धीरे धीरे, तो समय आ गया है हम सबको एक एक ग्रुप होकर के, और सबको ब्राह्मण समाज को एक ग्रुप होकर संगठित। ब्राह्मण समाज कभी जातिवादी नहीं रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज सभी को साथ सर्वे भवन बहुत अच्छा काम है, अपने सूत्रों के साथ काम करता है। मेरा आपसे यही निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि हम सभी को सर्वे भवन तो चुकीने के साथ साथ हमारे ब्राह्मण समाज के जो लोग और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको इंक्लूजन करके ऐसे कंपटीशन में उतारें, उनको कोचिंग वगैरह देकर के, ताकि उस आरक्षण का मुकाबला हमारे बच्चे कोचिंग के माध्यम से इंक्लूजन कर सकें। आज पूरे विश्व में आज धूमधाम से परशुराम जी भगवान की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज हमारे बीच में देखिए भगवान परशुराम का रूप धारण किए हुए, कहते हैं कि विप्र वंश की अस्प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। आइए मिलते हैं परशुराम जी से, नाम जानते हैं और आज क्या संदेश दिया। जी साहब, मैं मिनरा समाज पानेर की महादरी का परशुराम जी की झांकी बनता हूँ। मेरा नाम सोहनलाल मिनरिया है, मैं विगत कम से कम 13 साल से परशुराम जी की झांकी बन रहा हूँ, और जो विप्र जन और विप्र फाउंडेशन का जो प्रोग्राम करता है बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं इसमें आता हूँ और परशुराम की झांकी बनते तो जो लोगों का सहयोग मिलता है वो सहयोग बहुत ही अच्छा है, और सारे बढ़ चढ़ के इसमें विप्रजन हिस्सा लेते हैं, और सभी समाज के विप्रजनों को, ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार एक भव्य आयोजन करें और इस आयोजन को सफल बनाते रहें, और बहुत ही ये भव्य जो है देश सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और सबका उसका स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ हर साल आप अकेले ही बनते हैं, क्यों ना आप समाज को जागरूक करें और समाज को भी इसी रूप में जो युवा है बुजुर्ग है उनको भी इसी रूप में 100-150 की तादाद में। आप सभी मित्रजनों से मेरा निवेदन है कि मैं सबसे आवेदन करता हूँ, लेकिन ये भी कोई शौक होना चाहिए, निस्वार्थ भावना से सभी मित्रजनों से मेरा निवेदन है, जिनका धर्म छोड़ा जा रहा है आप बार बार जाके ला सकते हैं, एक बार धारी में भर्ती नहीं ले और झूठा नहीं छोड़े, अगर लेना ही है तो आराम से लेकर भोजन करें, आप पर्से लेके आवे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो उसको बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है रामायण का पूरा प्रसंग जो है वो इसमें आना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा पता पड़े परशुराम जी के बारे में, क्या लग रहा है? ये तो आना चाहिए, प्रसंग इसमें आना चाहिए, तो लोगों को इसमें बताना चाहिए कि रामायण के साथ में जो परशुराम जी का संबंध है वो
बताएंगे लोगों को तो मालूम चलेगा, बाकी तो कोई मालूम नहीं चलेगा। आप जिस प्रकार से कोई एक प्रसंग का उल्लेख करेंगे, कोई एक मैंने तो भगवान राम और दोनों का जब मिलन हो रहा है, सीता का स्वयंवर में मिलन, स्वयंवर में भगवान जो राम का है, स्वयंवर के अंदर जो धनुष का जो वो उठाना था स्वयंवर में, उस समय जो उन्होंने श्री राम ने भगवान परशुराम का जो धनुष था वो उनको शिव जी से प्राप्त हुआ था, वो उन्होंने उठाया तो जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई थी, प्रत्यंचा चढ़ाने के ऊपर वो तनकार के साथ में उसकी वो प्रत्यंचा टूट गई थी, तो परशुराम जी को बहुत क्रोध हुआ और वो क्रोध के कारण वो जब वहाँ आए उन्होंने देखा और कि मेरे इस आराध्य देव शिव जी के धनुष को किसने ये तोड़ा है, तो उन्होंने गुस्सा किया। जब उनको बाद में मालूम चला कि ये तो भगवान साक्षात विष्णु अवतार श्री राम है, तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने प्रभु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इस प्रकार से परशुराम जी का और श्री राम का मिलन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसंग। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरी इस बड़ी दोपहर की गर्मी में भी आपने धूप का सामना भी किया, लेकिन कहीं कहीं परशुराम जी की महिमा रही कि आपके बादल की छाया की। हाँ, तो ये तो बहुत ही भगवान का धन्यवाद है कि बादल हुए और हवा भी चली तो गर्मी का प्रकोप कम हुआ और ये छाव भी थी, तो इसमें जो चलता है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ तो अगर आप उसमें उत्तर अगर ये बन रहे हो तो उसके साथ कष्ट के साथ में जैसे सुख के साथ में दुख होता है, तो कुछ तो पाना है, पाने के लिए खोना ही पड़ेगा, तो वो तपस्या तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी और तपस्या का फल सदैव हमेशा मीठा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेहर साहब आपका, भगवान सदा आपको कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए इस विप्र परिवार से मिलते हैं थोड़ा सा। जी किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मैनेहर जी, जो हर साल आ जाते हैं, हर साल आपके कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कष्ट के बाद भी मार खाए भी नहीं रोते, ये समझ लो। तो स्वयं परशुराम जी इनको ताकत देते हैं, बल देते हैं, महादेव जी की कृपा है आप पर, इसलिए इतना संभव। क्या अगली बार जब परशुराम जी की ये शोभा यात्रा निकले तो इसमें एक नहीं दो नहीं कई परशुराम जी के अवतार हो, वो समाज के लोग बने बिल्कुल, और आप सहयोग करें। हम तो सहयोग करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर भी तो एक भावना जगनी चाहिए कि वो भी कुछ बन के आवे, एक नहीं दो नहीं दस हो जितनी भी बन सके वो झांकी बन के आवे, तो समाज के प्रति अच्छा संदेश जाएगा कि वो भी मतलब झांकी बने तो उनका भी सम्मान होगा, सम्मान के साथ विप्रजन उनको देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बड़ी संख्या में आप देखें कि विप्र परिवार पूरा आए हैं। जय हो। इधर भी घुमा नीचे चाय का दे रहा पार्सल नहीं। उनका प्रॉब्लम खाना खाते हुए ले लो। राम जयंती पर आयोजन बहुत जोरदार रहा, शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई है और एक महीने से की तैयारी चल रही है। 5 दिवसीय प्रोग्राम था, पहले उद्घाटन था, उसके बाद गंगा आरती की गई, रक्तदान प्रोग्राम हुआ, अब शोभा यात्रा का हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जीत तोड़ के मेहनत करी एक महीना, उसका परिणाम ये मिला क्या हजारों की तादाद में बता रहे हैं और माँ प्रसादी का आनंद ले रहे हैं और सबसे सफल प्रोग्राम हुआ। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। कितने समय पहले से तैयारी ये करनी पड़ती है? एक महीने पहले से हम तैयारी में लगे हैं, सभी चार मंडल में बने हुए हैं, पूर्वांचल दक्षिणचल और उत्तरांचल, चारों भाग से मिलकर कार्यकर्ता ने काम किया है, घर पर घर जाकर सबको पत्र वितरण किए गए और जो भी सम्मान सहयोग मिला उनसे लिया गया है, सभी को आमंत्रित करके प्रोग्राम में बुलाया गया। कितने कार्यकर्ता जुटे इसमें? कम से कम 150 जनों की टीम लग रही है इसके अंदर और उनके मेन महेंद्र जी पालीवाल हैं जिनके नेतृत्व में ये युवा टीम लग रही है, उन्होंने घर घर जाकर संपर्क करा है, उससे ये प्रोग्राम सफल हुआ है। उनको बुला लो, महेंद्र जी पालीवाल को बुला लो, बुला लो। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा भव्य कार्यक्रम है और इस भव्य कार्यक्रम
नरेंद्र पालीवाल फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष दोनवाले। आज 5 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन था। पूरे विप्र समाज का पूरा सहयोग मिला, विप्र समाज के साथ साथ हमारे सभी हिंदू सनातनी भाइयों का भी पूरा सहयोग मिला और एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन आज उदयपुर में हुआ। बढ़ चढ़कर युवाओं ने, मातृशक्ति ने, वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। अनेक जागियाई शोभा यात्रा में शामिल थी। फतेह स्कूल से प्रारंभ होकर सूरज भवन, मंडी, दिल्ली गेट, बाबू बाजार, अन्य मार्गों से होती हुई वापस धर्मसभा में फतेह स्कूल में आकर पहुंचती थी। मैं सफल आयोजन के लिए विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, युवा साथियों का, मातृशक्ति का और सभी साथियों का आदर आभार कहता हूँ, जिन्होंने पिछले एक महीने से युवा साथियों ने हर वार्ड में जाकर घर घर शोभा यात्रा में आने का निमंत्रण किया और लोगों को जागरूक किया और उसी का परिणाम यह था कि आज एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन सफल हो पाया। धन्यवाद, आभार, जय जय परशुराम। राजेश पालीवाल, प्रदेश संगठन मंत्री, विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ जोन 1A। आज परशुराम जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक आयोजन रहा। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों के आराध्य न होकर भगवान है और सर्व हिंदू समाज के भगवान है, इसीलिए आज शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों की झांकियाँ प्रदर्शित की गई। सभी ने स्वागत द्वार लगाए गए, शीतल पेय, छाछ, मिल्क रोड आदि की व्यवस्था की गई और बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ पूरी शोभा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया। शोभा यात्रा पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ चली। युवाओं की, माता बहनों की, सभी समाजों की, सभी संगठन की भागीदारी रही और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी से अपेक्षा है कि अगले वर्ष इससे भी भव्य और बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज भव्य शोभा यात्रा निकल गई, भव्य सभा का आयोजन किया गया और आज आप देखें कि मातृशक्ति की बड़ी यहाँ पे भागीदारी रही है। आइए मिलते हैं और किस प्रकार की रही आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम इतना जोरों शोरों से रहा और हमारे सर्व ब्राह्मण की नारी शक्ति आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने हर्ष उल्लास के साथ ये प्रोग्राम हुआ है और इतना मजा आ रहा है मत पूछो जी। आनंद की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आ गया है। सभी ब्राह्मण एक समान, एक जैसे हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी अच्छे हैं जी। आप बताओ क्या देखा इसमें नया? इतने सालों से आज की जो रैली निकली वो सबसे भव्य निकली, बहुत ही जागरूक, मतलब ब्राह्मणों में बहुत ही एकता दिखी। 5 दिवसीय कार्यक्रम था और पहले दिन से दीपोत्सव शुरू हुआ, पहले दिन से दीपोत्सव से लेकर के गंगू कुंड पे गंगा आरती से लेकर हर कार्यक्रम श्रेष्ठ रहा। सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने उत्साह उमंग से कार्यक्रम में भाग लिया और हमने बहुत आनंद मनाया। इस बार ऐसा नहीं लगा, झांकियों की बहुत कमी रही, झांकी और होनी चाहिए। झांकियों की कमी रही थोड़ा सा हमें लगा, लेकिन हाँ अगली बार इसमें और सुधार होगा। अब बताओ क्या आपने देखा? झीलों की नगरी में सब ब्राह्मण एक हुए हैं, इसे सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। सब एक हो गए, सबको एक होना चाहिए, अपने आप को एक माना है और एक होंगे, अपने बच्चों का भविष्य नहीं होंगे तो भी एक बनेंगे। ब्राह्मण एक होने चाहिए क्योंकि हमारी भावना भी है और ये पहल भी है। अगर हम पहल करेंगे तो आगे वाली हमारी पीढ़ी भी करेगी, क्योंकि आए दिन हमारी बेटियां दूसरे समाज में दे रही है, दूसरे समाज में जा रही है, तो हमारे समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज में वो सारे ब्राह्मण सही है ना, इसलिए हमारी को तो अच्छा है। एक दूसरे से मेल जैसे पता चलेगा ना। इस बार महिलाओं की संख्या लग रहा है कम रही, अगली बार क्या करेंगे जो ज्यादा संख्या है, उनको कैसे जागरूक करोगे आप? पता नहीं महिलाओं में क्या है, बाकी जी जो है वो तो ज्यादातर आते ही है। माने ब्राह्मणारी रैली निकली परशुराम जी, ठीक है, वणी महीने माने पूरी सर्व ब्राह्मण वन महीने सब कुछ, सब ब्राह्मण है, मतलब 57-58 ब्राह्मण है, सबरी रैली निकली। लेडीज आराम नाचती थकी, गाती थकी और आराम आइसक्रीम खाती थकी, पानी की बोतल पीती थकी, आराम इंजॉय करती थकी। अटे आई, अटे आई थोड़ा सा प्रोग्राम भी हो,
पचे आरामू वेसन चक्की खिचड़ी दाल अंजूरो और छाछ रो अतरो फायदो उठायो के पूछो ही मती अबे घर जाइन हुई जाएगा वा जय जय परशुराम। तो आप देख ही रहे हो कि उदयपुर में मैंने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई है और धूमधाम मनाई गई है। अणी जयंती ने महीने माता बिनारी भूमिका भी बहुत बड़ी और सब कोई तो एक ड्रेस में आई है ना, कई संदेश देना एक ड्रेस में। एक ड्रेस रो मतलब यो मन में मानी एकता बताइए माँ, क्योंकि मोर समाज की लेडीज अलग मेरी और मेनारे समाज की लेडीज अलग सारी सभी अलग अलग, लेकिन अगर ब्राह्मण ब्राह्मण सब एक जैसी पहनी है, पर समाज की अलग अलग पहनी है, ब्राह्मण ब्राह्मण सब के अलग रहनी है। तो आज पूरा नगर में शोभा यात्रा निकली, जतराई नगर वासी हाँ सब देखी देखी ना आज बनारा मन गदगद भी आज बना नहीं लाग गयो की ब्राह्मण खड़ा यात्रा पहले मन करने पता ब्राह्मण छोटा सा ही यही हूँ मुट्ठी में माई जब आज लोगों ने खबर पड़ गई गाड़ो वे तो कम पड़ जाए अतरा ब्राह्मण है। और पर एक बात देखी नहीं अणी मैंने जो है अपना जो है भाई है पिता तुल्य है दादा तुल्य है बाहर टाबर टूबर घना आया, लेकिन महिला की जो संख्या है बात थोड़ी कम है। आज संडे हो तो आदमी तो सब फ्री है लुगाए हो जो घरों काम कर, लेकिन मारी यही राय है लुगाए ने भी केवरी कि अगली बार वे संडे हो चाहे मंडे हो सब आनी चाहे घर काम भले आदमी ने होने आओगे हो आदमी ने होने आओ काम अपने अपने भगवान अपने भगवान परशुराम जी जी ने अपना आराध्य देव केवा हाँ जनारी जयंती बड़ी धूमधाम मनावा एक दिन भी अपने छुट्टी नहीं कर सके आज दिन मतलब निकाल सको एक दिन निकाल सको ये सही बात है। और मारो सब लेडीज ने ये संदेश है कि घर का काम धंधा तो रोज रहा है, लेकिन अगर अपने समाज रो परशुराम जयंती रो उपलक्ष्य में अगर दे सको तो कोई मतलब नहीं। जाम जो है वो उन्होंने सबने कान में जाएगा कान में पड़ेगा सब फोटो वगैरह देखेगा न्यूज सुनेगा भाई बंदाओं सब बात होगा और भी अपने आप आकर्षित रहेगा और अगले साल ज्यादा आएगा और अगले साल बहुत अधिक संख्या रहेगा। और चाहते अच्छा समाज का कार्यक्रम में आओ महिला ने कई जागृति आपने आपने लगे किया या चीज बड़े समाज रे मैंने व्यवहार बड़े भाईचारा व्यवहार भी बड़े प्लस युवा भी पत्तो रेवे की है कंडा कंडा छतर कुआरा कंडा कंडा पंडा था के भाई अठा थोरा होत माने अठा थोरी होतनी सब मेन इंपोर्टेंट काम ही होए परिवार सही दानो चाहे पंडी क्या बतावती है मारे भी मोटी है अरे बतावती है।